हेलो चिल्ड्रन, माय सेल्फ मिसेस ललिता परमार फ्रॉम एनसीएमएस झाबुआ। टुडे वी कंटिन्यू टर्म टू बुक लेसन नंबर 3, अर्थ सन एंड मून। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द अवर सोलर सिस्टम्स। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट, द सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेशियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप जो डे है नाइट में जितने भी आपको ऑब्जेक्ट स्काई में दिखाई देते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? सेलेशियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, द सन एंड द 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम। ओके, जो सन हमारा है उसके आसपास जितने 8 प्लैनेट्स जो हैं मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम। अदर देन द प्लैनेट सैटेलाइट्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, प्लैनेट्स के अलावा भी सैटेलाइट्स है, कॉमेट्स है, एस्टेरॉइड्स है जो मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, तो वो सारे क्या किस में इंक्लूड करते हैं? हम सोलर सिस्टम में। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, देयर आर 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। दीज प्लैनेट्स आर, है ना, जो आपके रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, उनके नेम यहाँ पर मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दिस आर 8 प्लैनेट्स। ओके, दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। ओके, ये क्या कहते हैं? सन के आसपास जो रिवॉल्व करते हैं उनका फिक्स पाथ होता है, फिक्स रास्ता होता है ना, उस एक पर्टिकुलर रास्ते को क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं, ऑर्बिट। ओके, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इट्स ऑल्सो द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है। ओके, और सबसे पास में है सन के। वीनस इज द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ओके, सबसे गर्म है और सबसे क्या है? चमकीला, ब्राइटेस्ट। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ठीक है, क्यों ब्लू प्लैनेट है? क्योंकि इस पर वाटर प्रेजेंट होता है, और स्काई में कैसा दिखा, यूनिवर्स में किस कलर का दिखाई देता है? वाटर ब्लू कलर का, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नॉन टू एग्जिस्ट। और ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स जो है उसको क्या, रेड प्लैनेट, वो कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। लुक, दिस इज अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सन इज सेंटर, सेंटर में है सन, और ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं ये सब क्या है? ऑर्बिट, जिस पर जो पर्टिकुलर प्लैनेट है वो क्या करता है? मूव करता है। फर्स्ट वन इज अ मरकरी, बिल्कुल पास में है। नेक्स्ट वन इज अ वीनस। थर्ड नंबर पर अर्थ, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। मार्स किस कलर का दिखाई दे रहा है? रेड कलर का। जुपिटर इट इज अ बिगेस्ट प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट वन इज अ सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर 8 प्लैनेट्स अवर सोलर सिस्टम। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। जुपिटर से सेकेंड नंबर पर क्या आंसर आता है? सैटर्न, जो कि उससे थोड़ा सा छोटा है। इट हैज रिंग्स अराउंड इट। इसके आसपास क्या होती है? रिंग्स होती है ना। सैटर्न इज सो लाइट दैट इफ देयर वॉज अ टब ऑफ वाटर बिग इनफ टू होल्ड इट, इट वुड फ्लोट इन इट। एक्चुअली क्या है, बहुत लाइट वेटेड है सैटर्न, है ना। अगर आप बिग बड़ा टब ले ले और अगर उसके अंदर उसे रखें तो वो वहाँ पर क्या करेगा? फ्लोटिंग करेगा, उसमें डूबेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होता है। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यूरेनस जो है बहुत ही ठंडा है, कोल्डेस्ट है। नेपच्यून इज द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। नेपच्यून जो सबसे दूर है सन से। ओके, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे पहले सन को। ओके, द सन इज अ स्टार दैट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। जो सन है वो क्या है? एक स्टार है, और कहाँ पर है वो सिचुएटेड? हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। एक्चुअली ये क्या है? एक बर्निंग गैसेस का बहुत बड़ा बॉल है। इट्स साइज इज अबाउट 109 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ से कितना? 109 टाइम्स बड़ा है साइज में। इट मास इज अबाउट 330,000 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ से, है ना, कितना इसका मास भी? 330,000 ज़्यादा है। इट इज ऑलमोस्ट,
99.86% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम. ठीक है, सोलर सिस्टम का जितना भी मास है उसमें से 99.86% किसका मास है, हमारा सन इंक्लूड करता है, और अदर जो बच गया है वो पार्ट्स में सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड और सैटेलाइट्स इंक्लूड करते हैं. हाइड्रोजन एंड हीलियम ये दोनों क्या हैं, गैसेस हैं. ठीक है, आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सन. एक्चुअली क्या है, सन हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही बना है. ठीक है, यही एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं और बहुत सारे एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. लुक, दिस वन इज द सन पिक्चर, है ना. सन का जो पिक्चर्स होता है, जो आउटर पास येलोइश कलर का जो दिखाई देता है उसे कोरोना बोलते हैं. ठीक है, ये सन की लेयर है, लेयर के नेम है. ओके, और जो बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं. द सन हैज अ थीन आउटर लेयर कॉल्ड द कोरोना एंड अ सेंटर पार्ट कॉल्ड द कोर. इन द कोर ऑफ द सन हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली गेट्स कन्वर्टेड इंटू हीलियम. जो आपका क्या है, कोर, कोर में क्या होता है, जनरली हाइड्रोजन जो गैस है वो कंटिन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है. ठीक है, और हीलियम वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन में. ओके, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. एनर्जी रिलीज्ड बाय द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी. ठीक है, सन जो रिलीज करता है एनर्जी उसे क्या बोलते हैं हम, सोलर एनर्जी. द टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द सन इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इतना टेम्परेचर होता है सन की लेयर पर. ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द सोलर एनर्जी फॉर देयर एक्सिस्टेंस. ठीक है, जो अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें जिन्हें भी एनर्जी जरूरत होती है, किस पर डिपेंडेंट करते हैं हम, सन की एनर्जी पर. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है अर्थ. द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन. इट इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर नोन एज द एटमोसफियर. प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एटमोसफियर के बारे में. ओके, द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन. जो एटमोसफियर है वो हमें क्या करता है, सन के हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है. द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. ठीक है, जो अर्थ है उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, उसकी लेयर्स है. फर्स्ट वन इज अ क्रस्ट, सेकेंड मेंटल एंड थर्ड वन इज अ कोर. दिस वन इज अ पिक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. आप देख रहे हैं जो आउटर मोस्ट फर्स्ट जो लेयर होती है उसे क्रस्ट करते हैं, उसके बाद हमारी क्या आती है, मेंटल आती है. मेंटल के बाद हमारा क्या है, कोर. कोर को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज द आउटर कोर, जो बाहर की तरफ आउटर कोर, जो येलो पार्ट जो दिखा दे रहा है वो क्या है आपका, इनर कोर. ओके, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. कोर को भी टू पार्ट में डिवाइड करा, इनर एंड आउटर कोर. फर्स्ट वन इज द क्रस्ट, इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले आपने देखा पिक्चर में. इट्स थिकनेस रेंज फ्रॉम अबाउट 5 किलोमीटर बिलो द ओशियन फ्लोर टू अबाउट 70 किलोमीटर अबाउ द लैंड. ओके, ओशियन से कितना है, 5 किलोमीटर तक, और जो लैंड है उससे 70 किलोमीटर तक की है. द कंटेंट्स, द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर ऑन दिस लेयर. ठीक है, जितने भी ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे कहाँ पर, इसी लेयर पर. इट इज मेड ऑफ रॉक एंड कॉन्टेंट्स ऑल द थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ. इस जो लेयर पर है क्या है, हमारे जितने भी ओशियन है, कॉन्टिनेंट्स है, और जितने भी लिविंग थिंग्स के लिए जरूरतें हैं वो सारी कहाँ पर है, इसी लेयर पर मौजूद है. नेक्स्ट वन इज अ मेंटल. ठीक है, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ लाइंग बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर. ठीक है, कहाँ पर मिडिल लेयर है, अपर पर क्या है, क्रस्ट है, और इन साइड पर क्या है आपका, कोर है. द थिकनेस ऑफ द मेंटल एक्सटेंड अप टू 2890 किलोमीटर. द आउटर रेंज ऑफ द मेंटल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स. ठीक है, उसमें क्या है, आउटर जो है सारे सॉलिड रॉक्स हैं उसके ऊपर. द इनर रीजन ऑफ द मेंटल कंसिस्ट ऑफ मोल्टेन रॉक्स. और जो इनर लेयर जो इनसाइड है वहाँ पर क्या, मोल्टेन रॉक्स हैं. ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन मोल्टेन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम दिस लेयर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, जो मैग्मा है वो बाहर आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लावा में. ओके, वो इसी लेयर में होता है. कौन सी लेयर में, मेंटल में. थर्ड नंबर इज द कोर, इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे अंदर का है.
इट इज़ द मैनली कंपोस्ट ऑफ आयरन एंड निकल. इसमें सबसे मैनली, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, निकल एंड आयरन होता है. द आउटर कोर इज इन अ मोल्टन लिक्विड स्टेट. जो आउटर कोर है वहाँ पर क्या है आपका, मोल्टन लिक्विड स्टेट होती है ना उसके अंदर. और इट एक्सटेंड टू अबाउट 3400 किलोमीटर. द इनर कोर इज अ सॉलिड स्फीयर. जो इनसाइड इनर कोर होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्फीयर होता है ऑफ मोस्टली आयरन सिचुएटेड अबाउट 1220 किलोमीटर फ्रॉम द आउटर कोर. इसकी रेंज इतनी है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमारा मून. आप लोगों ने मून को तो देखा है बहुत अच्छा सा. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपके प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व्स करता है उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं. ठीक है, सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज अ नेचुरल सैटेलाइट्स एंड सेकेंड वन इज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. नेचुरली एक्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स. ठीक है, सम सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ आर मैन मेड सैटेलाइट. ठीक है, कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं अर्थ के जो क्या होता है, मैन मेड सैटेलाइट्स हैं. दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. उन्हें क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो मून हमारा वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ द अबाउट 384,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, हमारे अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है, 384,400 किलोमीटर. द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ऑन. ये हमें पता है कि जो मून शाइन करता है वो खुद की लाइट नहीं है, है ना, वो क्या है, वो सन का रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, द मून शाइन्स इन द स्काई बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सन लाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस. इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप. जनरली ये क्या है, स्फेरिकल, गोल है ना. इट हैज नो एटमॉस्फेयर ड्यू टू विच इट इज अ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड नाइट. ठीक है, इस पर क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है. जैसा हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर है ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि डे में वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है और नाइट के समय में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता. द सर्फेस ऑफ द मून हैज अ लॉट ऑफ क्रिएट्स. क्रिएट्स मीन्स खड्डे, बड़े बड़े खड्डे हैं ना. दिस आर फॉर्म्ड व्हेन ह्यूज रॉक्स कॉल्ड मेटेराइड्स हिट इट्स सर्फेस. एक्चुअली ये कैसे हुई है कि जो अदर जो प्लैनेट्स होते हैं उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जाकर उससे टकराते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हो गए, जो क्रिएट्स हो गए उससे ना. देयर आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ माउंटेन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. और मून्स के सर्फेस पे जो बहुत सारे बड़े बड़े खड्डे भी और बहुत बड़े बड़े क्या है, माउंटेन्स भी हैं. लैंडिंग ऑन द मून, जो आपने सुना है कि मून पर इंसान जा चुका था, फर्स्ट कौन है, नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून. सबसे पहले कौन उतरे थे, नील आर्मस्ट्रांग, है ना. फॉलोड मिनट्स लेटर बाय एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंग्स ऑन 20th July 1969. कब हुआ था ये, कब उतरे थे, 20th July 1969. दे वर द एस्ट्रोनॉट्स ऑफ द अमेरिकन स्पेस मिशन अपोलो 11. ठीक है, इनका जो शटल था वो कौन था, अपोलो 11. नेक्स्ट वन इज द चंद्रयान मिशन. ठीक है, चंद्रयान मिशन कहाँ का है, ये हमारे इंडिया का. चंद्रयान फर्स्ट वॉज इंडियाज फर्स्ट अनमैंड मिशन टू द मून, है ना. अभी तक जैसे हमने देखा अपोलो 11 था, उसमें मैन गए थे, वहाँ पर जो उतरे थे, लेकिन हमारे इंडिया ने जो चंद्रयान फर्स्ट बनाया था वो क्या था, एज अ बिना मैन के, बिना ह्यूमन बींग्स के वहाँ पर सैटेलाइट गया था ना. इट वॉज द लॉन्च ऑन 22 अक्टूबर 2008, है ना. कहाँ से करा था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहाँ से इसे लॉन्च किया था. द मिशन हेल्प टू ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मून. और इस मिशन के थ्रू हमें बहुत सारे मून के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, है ना. नेक्स्ट वन इज द फेसेस ऑफ द मून. आप लोगों ने देखा होगा मून क्या है, रेगुलर जैसा दिखाया देता है, राउंड शेप में पूरा रोजाना वैसा ही दिखाया देता है, नहीं, वो क्या करता है, डे बाय डे शेप अपना चेंज करता है. वो क्यों करता है, ठीक है, व्हेन वी लुक एट द मून इट अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट.
समटाइम्स इट इज अ राउंड बॉल, एकदम बिल्कुल राउंड बॉल दिखाई देता. समटाइम्स शी शेप्ड दिखाई देता. एंड समटाइम्स इट्स डिसअपियर कम्प्लीटली, और कभी कभी हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता. ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून दैट रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट एज इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट. ठीक है, दिस वैरिड शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. एक्चुअली क्या होता है, जो सन है वो तो हमारा फिक्स्ड है, लेकिन उसके आसपास हमारे अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, और अर्थ के आसपास है ना क्या कर रहा है, हमारा मून कर रहा है, रिवॉल्व्स हो रहा है. तो जहाँ जहाँ जब वो मून रिवॉल्व्स करता है तो अर्थ जो सन की लाइट्स उस पर रिफ्लेक्ट करती है, कभी तो पूरा मून रिफ्लेक्ट होता है, कभी थोड़ा सा, कभी कभी वो डिसअपियर हो जाता है. वो इस रीज़न से, क्योंकि हमारी अर्थ भी मून का मूव कर रही है और हमारा मून भी जो है अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है, इसलिए उसके फेजेस दिखाई देते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ इक्लिप्स. इक्लिप्स मीन्स क्या होते हैं, ग्रहण, जो हम लोग सुनते हैं ना जनरली. एन इक्लिप्स इज अ नेचुरल फिनोमिना इन विच वन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बिकम्स टेम्परेरी है ना इनविजिबल एज इट इज हाइडन बाय द शेडो ऑफ अनादर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. ओके, क्या होता है जनरली, ये जो इक्लिप्स होता है उसमें किसी अदर सेलेशियस ऑब्जेक्ट का जो शेडो हो उसके थ्रू क्या होता है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट्स है, सेलेशियस ऑब्जेक्ट्स है, वो क्या होता है, हाइडन हो जाता है, मतलब छुप जाता है, तो कुछ समय के लिए है ना, इसे क्या बोलते हैं, इक्लिप्स. अब ये कैसे, कब होता है, इट हैपन्स वैन थ्री सेलेशियल ऑब्जेक्ट आर इन अ स्ट्रेट लाइन. जनरली ये क्या, कब होता है, जब थ्री सेलेस्टियस ऑब्जेक्ट है वो इक्वली एक लाइन में अरेंज हो जाएगा. द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ कॉज लूनर एंड सोलर इक्लिप्स. ठीक है, ये तीनों कौन कौन से इक्लिप्स बनाते हैं, टू टाइप्स के बनाते हैं. फर्स्ट वन इज अ लूनर इक्लिप्स एंड सेकेंड वन इज अ सोलर इक्लिप्स. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लूनर इक्लिप्स के बारे में. वेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, ठीक है, कौन सा है हमारा, लूनर. लूनर में क्या होता है, जब अर्थ कहाँ आ जाए, हमारे सन और मून के बीच में. द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, और जो शेडो है किसका, अर्थ का, कहाँ पर वो हो जाए, मून पर. दिस कॉजेज द लूनर इक्लिप्स, और ये क्या बनाता है, लूनर इक्लिप्स. लूनर इक्लिप्स कैन बी पार्शियल इन विच अ पार्ट ऑफ द मून मे बी विजिबल और टोटल इन विच द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल. ठीक है, जो आपका लूनर इक्लिप्स है वो कैसा होता है, पार्शियल भी हो सकता है जिसमें आपको मून का कुछ पार्ट दिखाई दे, है ना, और टोटल हो सकता है जिसमें मून का पूरा कुछ पार्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे. द टाइप ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ लूनर इक्लिप्स डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द मून इन द ऑर्बिट. ठीक है, लूनर इक्लिप्स पे किस पर डिपेंड करता है, टाइम कितने टाइम तक रहेगा, वो मून की ऑर्बिटल में मूवमेंट है जो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, दिस वन इज द सन, ये सन है आपका, ये आपका मून है, और इन दोनों के बीच में कौन आ गया, हमारा अर्थ. ठीक है, ये जो अर्थ है ये सन के रिवॉल्व कर रहा है और ये मून है इसके रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो ये कौन सा करते हैं, इसमें लूनर इक्लिप्स आ जाता है. नेक्स्ट वन इज अ सोलर इक्लिप्स. ऑकर्स वेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. ठीक है, अब क्या होता है, इसमें मून जब आ जाता है कहाँ पर, सन और अर्थ के बीच में. एंड द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, और जो मून का शेडो है वो किस पर आए, हमारे किस पर गिरेगा, अर्थ पर. इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम एन एरिया ऑन द अर्थ वेहर द डार्क इनर शेडो ऑफ द मून फॉल्स वी कैन सी अ टोटल सोलर इक्लिप्स. है ना, जब पूरा मून का पूरा शेडो उस पर अर्थ पर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, टोटल सोलर इक्लिप्स. इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम एन एरिया ऑन द अर्थ वेहर द फैंट ऑफ आउटर शेडो ऑफ द मून फॉल्स वी कैन सी अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स. ठीक है, अगर कुछ पार्ट्स आए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सोलर इक्लिप्स पार्शियली होगा. इफ ओनली अ ब्राइट रिंग इज सीन अराउंड अ सेंट्रल इक्लिप्स एरिया देन वी सी अ रिंग शेप्ड इक्लिप्स और एनुअल इक्लिप्स. ठीक है, अगर आपको ऐसे दिखाई देगा सन का जो राउंड शेप बिल्कुल आउटर पार्ट ही दिखाई दे तो वो कौन सा होगा, आपका रिंग शेप्ड इक्लिप्स कहलाता है. दिस वन इज अ, अब यहाँ पे देखिए सन है, ये हमारा अर्थ है, और उसके बीच में कौन आ गया है, मून. तो जब इसका जो लाइट्स है वो इस पर होगी, उसका जो शेडो है वो कहाँ आ जाएगा, हमारे अर्थ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोलर इक्लिप्स फॉर्म्ड होगा. नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट ऑफ द
सोलर इक्लिप्स. अब सोलर इक्लिप्स की क्या इंपॉर्टेंस है? सोलर इक्लिप्स इनेबल्स अस टू स्टडी द आउटर लेयर ऑफ द सन कॉल्ड द कोरोना. ठीक है, जो सोलर इक्लिप्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, सन का, सन की जो आउटर लेयर है उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी कर पाते हैं. ठीक है, विच इज़ द अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व ड्यू टू द ब्राइट रिंग्स ऑफ द सन. है ना, अगर ये नहीं होगा तो हमें जो रिंग दिखाई देती है वो पॉसिबल नहीं होगा और उसके बारे में हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना होता है सन का, 6000, ठीक है, डिग्री सेल्सियस. हो इतना टेम्परेचर पर कोई भी स्टडी नहीं कर पाते हम लोग वहाँ पर. वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू वियर यूवी रेस प्रोटेक्टेड डार्क ग्लासेस वाइल ऑब्जर्विंग द सोलर इक्लिप्स एज द ब्राइट लाइट ऑफ द सन माइट हार्म अवर आइस. ठीक है, जब भी सोलर इक्लिप्स को हम देखते हैं तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, यूवी रेस प्रोटेक्टेड डार्क ग्लासेस यूज़ करना चाहिए, नहीं तो जो हार्मफुल रेस है उसकी वो हमारे आइस को क्या कर देगी, डिफ्रेक्टेड कर देगी. ओके, नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट्स ऑफ द इक्लिप्स ऑन द अर्थ. अब इक्लिप्स जो होते हैं वो अर्थ पर क्या इफेक्ट करते हैं. द राइज एंड फॉल ऑफ द अर्थ वाटर सच एज वाटर इन ओशियन, जनरली किसमें, ओशियन के वाटर्स पे ज़्यादा हुआ. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड टू द सम एक्सटेंड ऑफ द सन इज कॉल्ड अ टाइड. है ना, जब ये एक लाइन होते हैं, इक्लिप्स जब होता है तो क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का और मून का, उसके थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर आता है, हमारी अर्थ पर, जिसके थ्रू जो वाटर होता है वो क्या होता है, थोड़ा वाटर लेवल से ऊपर आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम टाइड्स बोलते हैं. सी वाटर राइजेज एंड फॉल ट्वाइस अ डे. ठीक है, एक डे में क्या ऊपर जाता है और नीचे आता है ना. The effects of the moon's gravity is more than that of the sun's gravity because the moon is closer to the earth than the sun. ठीक है, क्या होता है, जो सन है हमारे पास में है ज़्यादा, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या ज़्यादा इफेक्ट करता है, अदरवाइज द सन से ज़्यादा करता है. ठीक है, द मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग न्यू मून डे. ठीक है, जनरली क्या होता है कि वैन द सन द मून एंड द अर्थ कब एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, जब क्या होगा, फुल न्यू मून डे पर. है ना, वेरी हाई टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. ठीक है, जो ये टाइड्स होती हैं क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स आर सीन. द कॉम्बाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सन एंड द मून ब्रिंग अबाउट दिस हाई टाइड्स. ठीक है, जो इन दोनों का सन और जो मून की ग्रेविटी है उससे ज़्यादा होता है ना, कंबाइंड हो जाती है उस समय. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हेन द सन एंड द मून आर एट अ राइट एंगल. जब ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, राइट एंगल्स में आ रहे हैं, है ना, तब क्या होगा, वी गेट वेरी लो टाइड्स कॉल्ड नीप टाइड्स. ठीक है, दे यूजली ऑकर ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून. ठीक है, उस समय लुक ये सन है, जब ये तीनों एक ही रेंज में एक ही लाइन पर हो जाते तो क्या होता है, जब ये क्या होता है न्यू मून में, है ना, तब क्या होता है स्प्रिंग टाइड्स होती है. ठीक है, लेकिन जब ये राइट एंगल, मतलब सन यहाँ है, आपका अर्थ यहाँ है, और अगर यहाँ मून होता, ये राइट एंगल में आया और ये सन अर्थ एंड मून जब इस डायरेक्शन में होता है, ये यहाँ पर आया, तब क्या होगा, जो टाइड्स होगी वो क्या होगी, नीप टाइड्स होगी, जो थोड़ा कम कम होगी. ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टर मून है और नेक्स्ट वन इज़ इधर थर्ड क्वार्टर मून, और जो न्यू मून जो होता है फुल मून होता है, तब हमारा क्या होता है, हमारे स्प्रिंग टाइड्स होती है, मतलब टाइड्स बहुत हाई होती है, उससे क्या बोलते हैं हम, स्प्रिंग टाइड. ठीक है, आपको आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड यू कैन राइट योर PDF इन योर नोटबुक एंड मेड क्लीन एंड क्लियर. ओके, थैंक यू.